मैं यहाँ यूक्रेन इवानो फ्रेंकस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह यूपी के हरदोई जिले की रहने वाली यूक्रेन में एमबीबीएस की छात्रा वैशाली यादव को गिरफ्तार किए जाने वाला मामला झूठा निकला। बिहार के भाजपा विधायक अनिल कुमार ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वैशाली यादव ने सरकार पर आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसने यह अपने पिता के कहने पर किया था। इस ट्वीट को लेकर तमाम अफवाहों का देखिए, दौर जहाँ तक जारी मेरे था, जिस संज्ञान पर में हरदोई है पुलिस ने विराम जो लगा इस दिया लड़की है। की बात हो रही इस है वो मामले लड़की में एसपी का रोमानिया में कहना है है कि लड़की और रोमानिया में है और उसका पुलिस पिता ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी ने बताया कि वैशाली यूक्रेन में अध्ययनरत है और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए वह मैम रोमानिया के वैशाली एक यादव शेल्टर होम से में संबंधित पहुंच सोशल गई मीडिया है पर और एक उसने लाइव पोस्ट लोकेशन भी भेजी वायरल है हो रही है। और इस लगातार संबंध में संपर्क में प्रशासन है का तथा क्या वहां कहना वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सुश्री वैशाली यादव के संबंध में अवगत कराना है कि मीडिया पर प्रचलित पोस्ट के संबंध में संज्ञान में आया है कि वह इस समय यूक्रेन में अध्ययनरत हैं और वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत वो यूक्रेन से निकल करके रोमानिया के एक शेल्टर होम में इस समय आ गई हैं। जनपद पर स्थापित जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है उसके वो लगातार संपर्क में है, वहां से उनके द्वारा लाइव लोकेशन भी भेजी गई है। यह भी संज्ञान में आया है कि वह जनपद की 13 पुरसौली की प्रधान भी हैं, जिसके क्रम में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जिस लड़की की बात हो रही है वो इस समय रोमानिया में है और उसके द्वारा हेल्प के लिए वीडियो जारी किया गया था। पुलिस द्वारा जनपद में इस संबंध में कोई एक्शन लिए जाने वाली बातें सही नहीं है। मैं अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अफवाहों से बचें और सही खबर हरदोई तक पर देखें। मैं वैशाली यादव, मैंने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प के लिए कहा था कि मैं यहाँ पे यूक्रेन में फंसी हुई हूँ तो यहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार कुछ करे, लेकिन उस